छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च गुरुवार से आरंभ हो गई है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका बखूबी पालन करते हुए स्कूल प्रबंधन द्वारा उचित व्यवस्था बनाई गई है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसके तहत परीक्षार्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य है और स्कूल प्रबंधन द्वारा बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर में भी शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए परीक्षार्थियों के लिए उचित व्यवस्था बनाई गई है, जिससे किसी प्रकार की चूक न हो सके। हालांकि सभी विद्यार्थियों के पालकों को इस चीज का डर सता रहा है। साल भर से पढ़ाई ऑनलाइन पद्धति से कराई गई है और ऐसे में ऑफलाइन परीक्षाएं शायद कठिन न हो जाए, परंतु परीक्षा देकर बाहर आए विद्यार्थियों ने न्यूज टीम को बताया कि उनकी तैयारियां पूरी थी, क्योंकि वे जानते थे कि इस वर्ष बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन पद्धति से दी जाएंगी और कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन का भी इनकी तैयारियों में विशेष योगदान रहा है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन प्रशासन की दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ स्कूल प्रबंधन ने भी अपनी तरफ से सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी मापदंडों पर परीक्षा हॉल को तैयार किया है। आज 10वीं कक्षा का हिंदी का पेपर था और जिला प्रशासन द्वारा जो निर्देश दिए गए थे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए, तो हम लोगों ने पहले से निर्देश दे चुके थे बच्चों को। सभी जितनी भी छात्राएं हैं वो मास्क पहनकर आई थी और जैसे ही वो शाला में उन्होंने प्रवेश किया तो उनको उनका हैंड सैनिटाइज किया गया, रूम को भी पहले से सैनिटाइज कर दिया गया था और दूरी बनाकर एक एक बेंच में एक एक छात्राओं को बैठाया गया था। तो इस तरह से अभी कुछ ही समय पहले परीक्षा संपन्न हुई है। अच्छा, अच्छा गया है। कैसे गया? पेपर नहीं, ऑफलाइन ही। आज बहुत ही अच्छा गया पेपर सर। हमारी ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी स्टार्टिंग में, पर अभी बीच में हम स्कूल भी आ रहे थे, स्कूल खुल चुके थे तो काफ़ी अच्छा पढ़ाई हुआ था हमारा और एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छा गया सर। ऐसे तो मैं नहीं बोल सकती, पर कोशिश है कि पूरा आ जाए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की 12वीं और 10वीं की परीक्षाएँ प्रारम्भ हो चुकी है, जिसमें कुछ पालकों द्वारा और कुछ विद्यार्थियों द्वारा विरोध भी किया गया था कि ऑनलाइन पढ़ाई के बाद ऑफलाइन परीक्षाएँ कैसे दी जा सकती हैं। देखना होगा कि इस वर्ष हो रही बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षाओं का परिणाम किस तरह का आता है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।